हाँ तो सबसे पहले तो नमस्कार सभी को। कैसे सर? बढ़िया सर, बढ़िया सर। चलो बढ़िया। हम बात कर रहे थे इतिहास में किसकी? जैन धर्म की। किसकी बात कर रहे थे अपने? जैन धर्म। जैन धर्म की, ठीक है। देखो, जैन धर्म में हमने पिछली क्लास में बात की किसकी? हमने बात की ऋषभदेव की, पार्श्वनाथ की, और हमने बात की किसकी? महावीर स्वामी की। देखो, हमने क्या पढ़ा कि जो वास्तविक संस्थापक हैं वो कौन है? महावीर स्वामी है, ठीक है। किसके? जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं, महावीर स्वामी जी माने जाते हैं, ठीक है। अगर हम वैसे संस्थापक की बात करें कि जैन धर्म का संस्थापक कौन है, तो वो कौन है? ऋषभदेव जी। कौन है? तो हम बात कर रहे थे क्या कि संस्थापक तो कौन है? ऋषभदेव जी है। और वास्तविक संस्थापक की अगर बात करें तो वो कौन है? महावीर स्वामी है, ठीक है। और ऋषभदेव के बारे में मैंने बताया था कि जो ऋषभदेव जी हैं उनका उल्लेख क्या मिलता है अपने को? ऋग्वेद में भी मिलता है, ठीक है। यजुर्वेद में मिलता है, भगवत पुराण में भी मिलता है, और विष्णु पुराण में भी मिलता है, ठीक है। और विष्णु पुराण और भगवत पुराण की अगर बात की जाए तो इन दोनों में क्या है कि जो ऋषभदेव है उनको विष्णु का अवतार माना गया है। किसका? विष्णु का अवतार माना गया है। इस बात को हमने कर लिया था पिछली क्लास में। पिछली क्लास में क्या होता है कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी कि जो महावीर स्वामी जी हैं उनका क्या है कि जो पिताजी हैं उनका नाम है सिद्धार्थ मिलता है अपने को, और महात्मा बुद्ध का नाम भी क्या मिलता है? बचपन का नाम सिद्धार्थ मिलता है। वहां पे कुछ दो एक दो बातें हैं जो उनके फेवर में चलेगी, ठीक है। वो आज सुधार लेंगे अपने, जब बौद्ध धर्म करेंगे तब वो बातें कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो अपने महावीर स्वामी जी के बारे में बातचीत कर गए थे, और आज हमें क्या करना है? आज हमें सबसे पहले हम करेंगे जैन मत। सबसे पहले क्या करेंगे? जैन मत करेंगे कि जैन धर्म में कितने मत मिलते हैं, यानी कि जिनको क्या कहा जाता है? जैन दर्शन कहा जाता है, ठीक है। और फिर उसके बाद में शिक्षाओं की बात करेंगे, और उसके बाद में अपने क्या बात करेंगे कि आत्मा की उन्नति के लिए तीन जो सिद्धांत बताए गए हैं जैन धर्म में उनकी बात करेंगे, ठीक है। और अपने बात क्या करेंगे कि निर्वाण प्राप्ति के लिए कौन कौन से उपाय बताए गए हैं जैन धर्म में, और इसी के बाद अपने क्या बात करेंगे कि जैन धर्म की जो दो संगीतियां हुई उनकी बात करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे किसकी? जैन मत की, ठीक है। किसकी बात करेंगे अपने? जैन मत की बात करेंगे। अच्छा, पिछली क्लास में जब मैं बता रहा था कि महावीर स्वामी जो है उनकी मृत्यु कहां पर होती है, वो मैंने बता दिया था ना आपको, महावीर स्वामी की मृत्यु, या कहूं मैं उनको निर्वाण प्राप्ति या फिर उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है वो कब होती है? वो होती है उनको 468 ईसा पूर्व में। कब? 400, ये थोड़ा सा बताना, मैं टेक्निक प्रॉब्लम आ गई थी और मैं बताना भूल गया आपको कि 468 ईसा पूर्व में क्या होता है कि महावीर स्वामी की मृत्यु होती है। कहां पर होती है? पावापुरी में। कहां पर होती है? पावापुरी में। और पावापुरी की बात की जाए तो वर्तमान में पोखरपुर बिहार, वर्तमान अगर इसकी बात की जाए तो कहां पर है ये, किस नाम से जाना जाता है? पोखरपुर बिहार के अंदर क्या हो जाता है कि महावीर स्वामी जो है उनको निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति होती है, उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। ये बात मैं आखिर में बताना भूल गया था। अब बात करते हैं जैन मत की। देखो, जैन मत कहूं तो क्या कि जैन मत इस तरीके से है कि जो जैन धर्म है उसमें क्या कहा जाता है कि वो सबसे पहले वेद में विश्वास नहीं करते थे। अब अपने पहली ही क्लास में जब जैन धर्म की बात करें तो उसमें मैंने ये चीज बताई थी कि जो जैन धर्म का उदय है वो किस लिए हुआ है कि वो जो अपने उत्तर वैदिक काल पढ़ा है हमने, किसका? वैदिक सभ्यता का जो उत्तर वैदिक काल पढ़ा, उसमें जो कर्मकांडी व्यवस्था जो थी, उसमें जो वर्ण व्यवस्था जो थी वो बहुत ही क्या होती है कि कर्मकांडी होती है, ठीक है। उसमें जो अनुष्ठान कर्म, उसके यज्ञ जो है वो बहुत ही कर्मकांडी होते हैं, और उनको सुधारने के लिए क्या होता है कि जैन धर्म का उदय होता है। ये चीज हमने
पहली ही क्लास में पढ़ी थी। और अगर हम अब बात कर रहे हैं कि सबसे पहले तो जैन धर्म जो है क्या नहीं करते के वो क्या नहीं करते, वेदों में विश्वास नहीं करते, क्या नहीं करते, वेदों में विश्वास नहीं करते, ठीक है, ये वेदों में विश्वास नहीं करते। और अगर मैं इनकी बात करूं तो ये संसार को एक दुख मूलक मानते हैं। क्यों मानते हैं दुख मूलक, देखो संसार में गृहस्थ जीवन बिताया जाता है, क्या बिताया जाता है, गृहस्थ जीवन बिताया जाता है। और घर गृहस्थी जहां पर होती है वहां पर तो सारे काम करने पड़ते हैं, दुख भी होता है, पीड़ा भी होती है। तो ये संसार को क्या मानते थे, संसार को दुख हमेशा रोता हुआ आता है ना, रोता हुआ जाता है, तो ये रोक के आ रहा है, रोके जा रहा है, ठीक है, संसार को ये दुख मूलक मानते थे, ठीक है, ये संसार को दुखमूलक मानते थे। और ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे कि व्यक्ति क्या है, घर गृहस्थी मान लीजिए एक बार पड़ गया वो, ठीक है, अब घर गृहस्थी से क्या होता है कि वो अपने बंधनों से मुक्त होकर, तीसरा जो आश्रम मैंने बताया था वानप्रस्थ आश्रम, उसमें क्या है दोबारा से क्या है वेदों की रचना करता है, वहां पे जाके क्या गुरु के पास जाता है और वो क्या करता है वेद रचता है, यानी कि उसका पुनर्जन्म हो जाता है एक तरीके से, क्या हो जाता है पुनर्जन्म हो जाता है। इसलिए वो कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है, यानी पुनर्जन्म में ये क्या करते हैं विश्वास करते हैं। ये किसके मत हैं, मत का तो पता ही होता है ना कि जैन धर्म की ये मत है कि हम ये इन चीजों को मानते हैं, इन चीजों को हम नहीं मानते, ठीक है, ये पुनर्जन्म में विश्वास करते थे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं तो ये कर्म पुद्गल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं कर्म पुद्गल की बात करते हैं। कर्म पुद्गल का मतलब ये है कि ये लोग कर्म को मानते थे, व्यक्ति अगर कर्म करता है, हाँ जैसी करनी वैसी भरनी वाली, सही है कि जैसे आप कर्म करोगे आपको फल भी वैसे प्राप्त होगा, बुरे कर्म करो तो बुरा फल मिलेगा, ठीक है। जैसे हम आगे निर्वाण प्राप्ति के लिए जो तीन सिद्धांत बताऊंगा उनमें ही मैं ये फिर से बात दोहराऊंगा कि ये क्या करते थे, कर्म पुद्गल की बात करते हैं, किसकी कर्म पुद्गल की बात करते हैं। तो ये क्या है जैन धर्म के मत है, ठीक है, कौन कौन से कि ये जैन धर्म के लोग वेदों में विश्वास नहीं करते थे, कौन थे आर्य थे, आर्य ही तो थे, ठीक है, अच्छा संसार को ठीक है संसार को दुखमूलक मानते थे, कौन जैन, ठीक है, और पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और क्या था कर्म पुद्गल की बात करते हैं, ठीक है, मिटा दूं, हम किसकी बात कर गए जैन मत की बात कर गए, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में, ठीक है, जब मैंने पार्श्वनाथ जी को पढ़ाया था, किसको पार्श्वनाथ जी को पढ़ाया था, तो मैंने चार शिक्षाओं की बात की थी वहां पर, उन्होंने जो चार क्या दिए शिक्षाएं दी हैं जैन धर्म को, ठीक है, कौन कौन सी, अहिंसा, सत्य, असत्य और अपरिग्रह, ठीक है। एक शिक्षा महावीर स्वामी देते हैं, कौन सी ब्रह्मचर्य की, ठीक है, तो कुल कितनी हो जाती है पांच शिक्षाएं हो जाती हैं, मैं उन पांचों को लिख रहा हूं, जैन धर्म की शिक्षाएं, समझ में आ रही है ना बात है? क्या पढ़ेंगे अपने जैन धर्म की शिक्षाएं, ठीक है, कितनी शिक्षाएं हैं पांच शिक्षाएं हैं, कितनी पांच शिक्षाएं, चार पार्श्वनाथ जी देते हैं, एक महावीर स्वामी जी देते हैं, ठीक है, अच्छा जिनको पांच अनुव्रत भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है अनुव्रत या फिर महावृत भी कहा जाता है, अनुव्रत या फिर महावृत भी कहा जाता है। सबसे पहले अहिंसा, सबसे पहले अहिंसा, इसमें क्या कहा है, इसमें जैन धर्म के जो पार्श्वनाथ जी हैं तीर्थंकर, कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं, स्थापना कर्ता कौन थे अपने ऋषभदेव जी, ठीक है, पार्श्वनाथ जी क्या कहते हैं कि मन वचन और कर्म, इनसे क्या नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो अहिंसा की क्या हो गई पहली शिक्षा हो गई, अहिंसा की क्या हो गई पहली शिक्षा हो गई, ठीक है। नंबर दो पे ये कहते हैं सत्य, कि मनुष्य
मानव जो है उसको हमेशा क्या करना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। ये कौन कहते हैं? पार्श्वनाथ जी कहते हैं। ठीक है, कौन कहते हैं कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, और नंबर तीन ये असत्य की बात करते हैं। किसकी? सत्य की बात करते हैं। और असत्य का मतलब ये है कि ये कहते हैं कि चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो, एक व्यक्ति जब चोरी करता है तो उसके अंदर नेगेटिव फीलिंग आती है ना, मतलब नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, तो उससे क्या होता है, व्यक्ति बुराई बनता है एकदम से। तो ये क्या कहते हैं कि असत्य नहीं होना चाहिए व्यक्ति के अंदर, यानी कि चोरी नहीं करनी चाहिए व्यक्ति को, चोरी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बात कौन कहता है? जैन धर्म में पार्श्वनाथ जी कहते हैं, क्योंकि उनकी शिक्षा है ना चार की चार। ठीक है, नंबर चार किसकी बात करेंगे? अपरिग्रह की। किसकी? अपरिग्रह की। अपरिग्रह क्या होता है कि अपरिग्रह का मतलब है कि धन का अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ये कौन कहता है? क्योंकि अधिक धन होगा तो पीड़ा भी अधिक झेलनी पड़ेगी हमें, जितना धन आएगा तो हमें उसको बिले भी तो लगाना पड़ता है ना एकदम से। तो वही बात कौन कहते हैं? जैन धर्म के अनुयायी, यानी कि जो अपने नाम से पार्श्वनाथ जी को कहते हैं, पार्श्वनाथ जी बार बार आपको याद हो जाएगा ऐसे कहने से। ठीक है, अपरिग्रह की शिक्षा देते हैं कि धन का अधिक संचय नहीं करना चाहिए, अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ठीक है, धन का अधिक संचय नहीं करना चाहिए। ये चार शिक्षाएं तो किसकी है? पार्श्वनाथ जी की है। ठीक है, आप याद रख लेना, ये चार शिक्षाएं पार्श्वनाथ की है। नंबर पांच शिक्षा किसकी आती है? महावीर स्वामी जी की आती है। ठीक है, ब्रह्मचर्य की शिक्षा। ब्रह्मचर्य में क्या बताते हैं कि जो अपने मन के आवेग संवेग जो अपने मन में उठते हैं, ठीक है, उन पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है, उस पर क्या किया जाता है, नियंत्रण किस तरह से पाया जाता है। अगर मैं लिखूं कि मन में उठने वाले क्या आवेग और संवेग, यानी अच्छे और बुरे विचार जो भी है, उन पर अपने नियंत्रण कैसे पाने हैं, ये संवेग पर। ठीक है, नियंत्रण किस तरह से पाना है उसके बारे में कौन से अपने को शिक्षा में जानकारी दी हुई है? शिक्षा नंबर पांच, यानी किसकी? ब्रह्मचर्य में, जो किसकी है? महावीर स्वामी की है। ठीक है, एक से चार तक पार्श्वनाथ जी की शिक्षाएं हैं, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, और पांचवी जो शिक्षा दी गई है वो महावीर स्वामी के द्वारा दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई? ठीक है, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, पांच शिक्षाएं दी गई है जैन धर्म में। ठीक है, मिटा दूं इनको, क्या लिखना है बता दीजिएगा। अणुव्रत और कहा जाता है, अणुव्रत या महाव्रत, क्या सर? हाँ, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब अपने बात करेंगे कि जो निर्वाण, निर्वाण क्या होता है? मृत्यु या को मोक्ष जो होता है, मोक्ष की प्राप्ति हेतु, निर्वाण की प्राप्ति हेतु जैन धर्म में तीन क्या बताए गए हैं? सिद्धांत बताए गए हैं, जिनको जैन दर्शन कहा जाता है। जिनको क्या कहा जाता है? जैन दर्शन कहा जाता है। ये एक तो कहते हैं कि आस्त्रव, ठीक है, एक क्या कहते हैं? आस्त्रव, दूसरा कहते हैं संवर, और तीसरा निर्जल। तीन क्या बताए गए हैं दर्शन, या कहूं तो सत्य, जिनको क्या कहा जाता है? सिद्धांत कहा जाता है, वो बताए गए हैं। अच्छा, एक एक करके मैं बात करता हूं। किसकी बात करेंगे अपने, किसकी बात करेंगे? जैन धर्म में निर्वाण प्राप्ति हेतु, निर्वाण प्राप्ति हेतु कितने सर? तीन क्या बताए गए हैं? सिद्धांत या क्रियाएं बताई गई हैं। ठीक है, जिनको क्या कहा जाता है? त्रिरत्न। नहीं सर, जैन दर्शन कहा जाता है। रत्न आगे आएंगे। ठीक है, इनको क्या कहा जाता है? जैन दर्शन। हाँ ठीक है, जैन दर्शन कहा जाता है। तीन प्रकार के जैन दर्शन बताए गए हैं। नंबर एक और साथ आस्त्रव। ठीक है, आस्त्रव क्या चीज होती है? देखो, ये कहते हैं कि जो हम जिस तरह के कर्म करते हैं, हम क्या करते हैं कर्म करते हैं, हम जो कार्य करते हैं, हमारा क्या है वो काम किया हुआ सीधा कहां पे प्रभाव डालता है? आत्मा पर प्रभाव डालता है। किस पर?
आत्मा पर प्रभाव डालता है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, कर्मों का प्रभाव क्या होता है, कर्मों का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्मों का प्रभाव आत्मा की ओर प्रवाहमान होता है, क्या होता है, प्रवाहमान होता है। ठीक है, किसकी ओर प्रवाह करता है, किया हुआ काम आत्मा की ओर। ठीक है, और नंबर दो संवर, नंबर दो क्या बताया इन्होंने, जो क्रिया बताई है निर्वाण प्राप्ति हेतु संवर, यानी कि कर्मों का जो प्रभाव, यानी कि जो कर्म तो बुरे भी हो सकते हैं, कर्म तो अच्छे भी हो सकते हैं। अब जो कर्म हम कर रहे हैं उनका क्या है कि हमारी आत्मा के ऊपर जो प्रभाव पड़ रहा है हम उसे रोकें किसी ना किसी तरह से, तो उसको करने के लिए हमें कौन सी क्रिया अपनानी पड़ेगी, क्रिया नंबर दो संवर जैन धर्म के अनुसार। ठीक है, कर्मों के प्रभाव को आत्मा पर पढ़ने से रोकना। ठीक है, अगर हमें जो कर्म हम कर रहे हैं उनका प्रभाव आत्मा पर पड़ रहा है तो हमें उसको रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, समर क्रिया अपनानी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, समर क्रिया अपनानी पड़ेगी। ठीक है, नंबर तीन आती है निर्जरा, कौन सी, समझ में आ रही है ना, निर्जरा। ठीक है, निर्जरा क्या कहते हैं कि देखो ये एक ऐसी क्रिया है जिसमें क्या किया जाता है कि जो आत्मा जो है ना, आत्मा उस पर जितने भी जमे हुए प्रभाव है, क्योंकि हमारे जितने बुरे कर्म किए हैं उनका प्रभाव जो हमारी आत्मा पर पड़ा है उसको हमें हटाना है, तो हमें कौन सी क्रिया अपनानी पड़ेगी, निर्जरा। कौन सी, निर्जरा। ठीक है, आत्मा पर कर्मों के जमे प्रभाव को क्या करना चाहिए, अगर हमें हटाना है, क्योंकि देखो हमारे कर्म जैसे होंगे, जैन धर्म में खासतौर से कर्मों की बात होती है कि कर्म, कर्म ही एकमात्र ऐसी चीज है जिससे क्या व्यक्ति उन्नति हासिल कर सकता है। ठीक है, हम अगर कर्म करेंगे तो हमारी नौकरी लग जाएगी, अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमें कुछ नहीं प्राप्त हो सकता, घर बैठे किसी को कुछ नहीं मिलता, कर्म करने पड़ते हैं। कर्म पर कौन विश्वास कर रहा है, कर्म पुद्गल की बात कौन कर रहा है, जैन धर्म कर्म पुद्गल इसीलिए बात करता है, अगर आपको निर्वाण, एक अच्छी मृत्यु चाहिए, आपको मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, तो आपको कर्म करना पड़ेगा, और कर्म के लिए क्या बताया, पांच अनुव्रत बताए हो, और ये तीन क्या बताए हैं इन्होंने, क्रियाएं, जिनको जैन दर्शन कहा जाता है, जिनको क्या कहा जाता है, जैन दर्शन कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीन क्या होगी, क्रियाएं होगी। मिटा दूं सर इनको, मैं क्या लिखना है, मिटा दूं, तो ये क्या थी, तीन क्रियाएं निर्वाण प्राप्ति हेतु। अब अपने बात करेंगे उन त्रिरत्न की, जैन धर्म के त्रिरत्नों की बात करेंगे अपन। ठीक है, देखो बात ये इस तरह से है कि जैन धर्म में कहा गया है कि अगर आप आत्मा की उन्नति चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आत्मा की उन्नति चाहते हो, तो आपको क्या करना चाहिए, ये त्रिरत्न अपनाने चाहिए। ठीक है, कितने त्रिरत्न, कौन कौन से, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। इनमें क्या कुछ आता है, पहले मैं लिख देता हूं हेडिंग डाल के, कि ये कहते हैं कि आत्मा की उन्नति हेतु कितने, तीन सिद्धांत हैं, कितने सिद्धांत हैं, तीन सिद्धांत हैं, जिनको क्या है कि जैन धर्म में के त्रिरत्न कहा जाता है। कितने रत्न हो गए, ये त्रिरत्न कहा जाता है। ठीक है, इनको आप समझो एक बार, देखो सबसे पहले कौन सा आता है, सम्यक ज्ञान। जब व्यक्ति को क्या होता है कि ज्ञान नहीं होता, ज्ञान भाव होता है उसमें, तब वो जो कर्म करता है, जो लोभ करता है, तृष्णा करता है, वो मद करता है, जितने भी कार्य करता है, ठीक है, वो किसकी वजह से करता है, ज्ञान के अभाव के कारण। इस स्थिति में क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सम्यक ज्ञान, जो त्रिरत्नों में रत्न नंबर एक बताया जैन धर्म वालों ने, सम्यक ज्ञान का उसको क्या करना, उच्चारण करना चाहिए। फिर आता है सम्यक दर्शन। ठीक है, फिर क्या आता है, सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन में क्या बताया उन्होंने, कि जो जैन धर्म में दर्शन बताए गए हैं, कौन कौन से दर्शन, तीन दर्शन मैंने पीछे बात की है, और जो पांच अनुव्रत बताए हैं उनकी अनुपालना करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, अनुपालना करनी चाहिए। ठीक है, तो सम्यक दर्शन ये चीज होगी, तो वो क्या कर सकता है, आत्मा की उन्नति करेगा,
आत्मा की उन्नति कैसे होगी? अगर वो सम्यक ज्ञान का क्या करेगा, पालन करेगा, और वो सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन में क्या आएगा, जो जैन धर्म में 3 दर्शन बताए और 5 अनुव्रत बताए हैं उनकी पालना करेगा तो क्या हो जाएगा उसका, आत्मा की उन्नति हो जाएगी। और सम्यक चरित्र में क्या बताया गया है कि व्यवहार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। अपना जो व्यवहार है, अगर हम मीठी जबान से किसी को कुछ कहते हैं तो उसको अच्छा भी लगता है, हम कड़वी जबान से कहते हैं तो उसको बुरा भी लगता है, तो व्यवहार को नियंत्रित किया जाना चाहिए। और वो कैसे होगा? 5 अनुव्रतों का पालन करके होगा ना। 5 अनुव्रत बताए हैं मैंने, महाव्रती अनुव्रत बताए हैं, उनकी पालना करके क्या कर सकते हैं हम, अपने चरित्र को सुधार सकते हैं, अपने व्यवहार को सुधार सकते हैं। व्यवहार सुधर गया तो आत्मा की उन्नति वैसे वैसी हो जाएगी। ठीक है, तो एक एक करके लिखते हैं अपने। नंबर 1, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान में क्या आता है कि व्यक्ति ज्ञान के अभाव यानी ज्ञानाभाव के कारण क्या करता है, कोई कर्म करता है, वो लोभ करता है, या वो कोई मद करता है, या वो तृष्णा क्या करता है। अगर ज्ञान भाव के कारण कोई व्यक्ति अगर का इसमें कर्म, लोभ, मद, तृष्णा अगर ऐसा कुछ करता है तो वो बुरा है। उसके सुधार के लिए उसको क्या करना चाहिए, सम्यक ज्ञान पढ़ना चाहिए या उच्चारण करना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है सम्यक जिसकी दर्शन की, फिर बात आती है सम्यक दर्शन की। ठीक है, सम्यक दर्शन में क्या बताया है जैन धर्म में कि जो अपने जैन तीर्थंकर जो हुए हैं उन्होंने जो उपदेश दिए हैं, क्या दिए हैं उपदेश जो दिए हैं, उन्होंने जो बातें बताई हैं उनका क्या करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अनुपालन करना चाहिए। ठीक है, जैन तीर्थंकरों द्वारा दिए गए उपदेशों का अनुपालन करना। क्या करना? अनुपालन करना ही क्या है, सम्यक दर्शन है। और नंबर 3 क्या आता है, सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र, सम्यक चरित्र में क्या चीज बताई गई है कि अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। क्या करना चाहिए? अपने व्यवहार को नियंत्रित करना। और व्यवहार कैसे नियंत्रित होता है, जैन धर्म में बताया गया व्यवहार, वो जो 5 अनुव्रत बताए ना मैंने, इनका पालन करके। ठीक है, 5 अनुव्रतों का पालन कीजिए, आपको क्या हो जाएगा, व्यवहार नियंत्रित हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आत्मा की उन्नति है। तू त्रिरत्न जो बताए गए हैं, जो 3 सिद्धांत जो बताए गए हैं जैन धर्म में, उनकी बात हो गई, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। ठीक है, मिटा दो ये मैं बात एक बार। देखो अब हम बात किसकी करेंगे कि जो जैन धर्म है उसके अन्यायी कितने भागों में बंटे हैं। क्या अन्यायी जो होते हैं वो कितने भागों में बंटे हुए हैं। ठीक है, देखो अन्यायी और उपासक में फर्क होता है, अन्यायी और उपासक में फर्क होता है। अन्यायी तो एक जो जड़ से मानता है धर्म को, उपासक जो सिर्फ क्या करता है, पूजा अर्चना ही करता हो, दोनों फर्क है ना। अनुयायियों की बात करते हैं जैन धर्म में। देखो देखो कितने प्रकार से, 4 भागों में या 4 प्रकार के अनुयायी पाए जाते हैं किसमें, जैन धर्म में। सबसे पहले तो मैं बात करूं किसकी, भिक्षुक। नंबर 2 बात करूं मैं, अगर पुरुष है तो भिक्षुक, और पुरुष अगर महिला है तो वो भिक्षुणी। क्या कहलाएगी वो, भिक्षुणी कहलाएगी ना। ठीक है, फिर आते हैं कौन है, श्रावक। ठीक है, फर्क है दोनों में, बताऊंगा किस तरह से है। फिर आता है श्रावक, और फिर आएगी महिला है तो श्रावकी, श्रावकी। ठीक है, अब देखो किस तरह से फर्क है दोनों में। देखो जो जैन धर्म में बताए गए 5 अनुव्रत जो हैं, क्या हैं 5 अनुव्रत, कौन कौन से, अहिंसा, सत्य, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये जो 5 अनुव्रत जो हैं, इन 5 अनुव्रतों का पालन कर क्या करने वाले, बौद्ध सॉरी जैन धर्म का प्रचार प्रसार करने वाले। ठीक है, जैन धर्म का
प्रचार प्रसार करने वाले लोग जो हैं वो किसमें आएंगे, जो पांचों अनुवृत्त ब्रह्मचर्य भी उसमें शामिल है, वो भिक्षुक और भिक्षुणी कहलाएंगे। ठीक है, जो आजीवन क्या करते हैं कि गुरु के पास बैठकर क्या करते हैं, अपना पूरा जीवन किसमें बिता देते हैं, शिक्षा के लिए। ठीक है, और जो श्रावक और श्रावकी जो हैं, देखो ये पांच अनुवृत्त का पालन करते हैं और ये चार अनुवृत्तों का पालन करेंगे। शुरुआत के जो चार है ब्रह्मचर्य का, ये लोग क्या नहीं करते, पालन नहीं करते। इसका मतलब क्या है कि गृहस्थ जीवन बिताते हुए क्या करते हुए, गृहस्थ जीवन बिताते हुए जैन धर्म का क्या करना, का प्रचार प्रसार करना। ठीक है, करना, जो करने वाले लोग हैं वो क्या कहलाएंगे, श्रावक या श्रावकी कहलाएंगे। नोट लगा के नीचे लिख लेना कि ये जो लोग हैं क्या नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। बात समझ में आ गई? ठीक है, ये लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते। मिटा दो, समझ में आ गई बात? ठीक है, मिटा दो सर। अब देखो ये बात होगी अपने किसकी, जैन धर्म की जो मुख्य मुख्य चीजें हैं। अब अपने क्या करते हैं, लास्ट दो संगीतियां बचे हैं किसमें, जैन धर्म, उसके बाद जैन धर्म खत्म हो जाएगा, फिर अपने क्या करेंगे आगे बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ठीक है, देखो अब अपने किसकी बात करते हैं, संगीतियों की, जो जैन धर्म में संगीतियां हुई है। नंबर एक प्रथम बौद्ध प्रथम जैन संगीति करते हैं, प्रथम है जैन संगीत, प्रथम जैन संगीति की बात करते हैं। संगीति का मतलब समझते, सभा होती है, क्या होती है, सभा, सभा होती है, जो सभाएं हुई हैं किसमें, जैन धर्म में। ठीक है, प्रथम जैन संगीति की अगर मैं बात करूं तो 300 ईसा पूर्व में होती है। कब होती है, 300 ईसा पूर्व होती है। कहां पर होती है, पाटलिपुत्र में। कहां, पाटलिपुत्र। देखो पाटलिपुत्र एक ऐसा नगर है जो प्राचीन भारत में बहुत बड़ा नगर माना जाता था। ये क्या है कि उस टाइम में मगध की राजधानी रहा है। हम जब महाजनपद काल की बात करेंगे तो उसमें ये चीज बताएगी कि ये क्या है, लंबे समय तक क्या है राजधानी रहा है, किसका, मगध की। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय क्या है कि इसके अलावा ही क्या है, इसको भी राजधानी रखा जाता है, अयोध्या को एक नई राजधानी बनाया जाता है। ठीक है, ये कब पढ़ेंगे हम, जब गुप्त काल की बात करेंगे, तब की बात आएगी। ठीक है, इसके जस्ट बाद महाजनपद काल की जब बात करेंगे तो वहां पे पता क्या चलेगा, पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पाटलिपुत्र यानी कि क्या, मगध की राजधानी। क्या है, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र को क्या बनाया जाता है, स्थान जहां पर ये हुई है, कहां पर हुई है बौद्ध संगीत, सॉरी जैन संगीति, तो आपको बताना है पाटलिपुत्र में। ठीक है, शासन काल किसका रहा, क्या अगर पूछा जाए कि शासन काल किसका था तो चंद्रगुप्त द्वितीय, किसका था, चंद्रगुप्त द्वितीय, ओ सॉरी किसका था, चंद्रगुप्त मौर्य का था, वो चंद्रगुप्त द्वितीय वाली बात बीच में आ गई। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन काल था। अध्यक्ष किसको बनाया गया, देखो अध्यक्ष दो मुनि जी अध्यक्ष हैं, कौन कौन से, बद्रबाहु जी, ठीक है, और कौन होगा, स्थूलभद्र, स्थूलभद्र जिसका नाम क्या मिलता है, संभूति विजय भी मिलेगा आपको इसका नाम, संभूति विजय। ठीक है, संभूति विजय भी आपको इसका नाम मिलेगा। अच्छा, दो व्यक्तियों को बनाया गया, ये तो क्या है, मोटी मोटी जानकारी है। अब अच्छा, ये हुई क्यों संगीति, ये हुई क्यों संगीति, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, यहां पे लगा के लिख लेना आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है ये कि जो जैन धर्म जो होता है, कौन, जैन धर्म दो भागों में विभाजित हो जाता है या बंट जाता है। ठीक है, दो भागों में बंट जाता है, विभाजित, दिगंबर और, ठीक है, दिगंबर और श्वेतांबर। अब अलग अलग पे बात करते दोनों की, मिटा दो एक बार भाई नीचे से, अच्छा
अब क्या हो गया कि दो भागों में बटेगा कौन, जैन धर्म। कौन कौन से दो भाग है जिनकी बात करते हैं? सबसे पहले तो आता है कौन सा, दिगंबर। दिगंबर देखो ये लोग कौन से हैं जो नग्न अवस्था में घूमते हैं, ये वो लोग हैं जैन धर्म के। और ये वो लोग हैं जो क्या करते हैं, जैन धर्म की मूल शिक्षा दीक्षाओं में विश्वास करते हैं। कौन से लोग हैं? दिगंबर, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो क्या करेंगे कि जो पांच अनुवृत्त हैं या कहूं तो मैं जो शिक्षाएं उन्होंने दी हैं वो सारी की सारी अपना लेते हैं, ठीक है। और इनका नेता जो है वो कौन होगा, बद्रबाहु। कौन होगा? बद्रबाहु, ठीक है। अच्छा सबसे पहले बात आती है दिगंबर शब्द के, अगर मैं बात करूं तो दिग प्लस अंबर से बना है। किससे? दिग प्लस अंबर से बना है। दिग का मतलब दिशा, क्या दिशाएं या फिर दिशा, ठीक है। अंबर का मतलब क्या होता है, वस्त्र। और ये क्या करते थे, नग्न अवस्था में घूमते थे, नग्न अवस्था में घूमते हैं, ठीक है। ये नग्न अवस्था में घूमते थे। और अगर मैं बात करूं तो ये जैन धर्म की, ये नोट बना के ले लेना, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है। जैन धर्म की मूल शिक्षा दीक्षाओं में विश्वास करते थे। क्या करते थे सर? ये विश्वास करते थे, ठीक है। और इनका जो नेता माना जाता है वो कौन है, बद्रबाहु। कौन है? बद्रबाहु, ठीक है। बात समझ में आ गई? अच्छा मिटा दूं, समझ में आ गई बात? अच्छा अब करते हैं द्वितीय जैन समिति की बात। किसकी? द्वितीय जैन संगीति की बात करते हैं, ठीक है। देखो द्वितीय जैन संगीति, ओ सॉरी माफी चाहूंगा, श्वेतांबर की बात बोल गया मैं। बात किसकी कर रहे थे अपने, दिगंबर और दो भागों बटा था ना, दिगंबर। और अपने बात किसकी करनी थी, नंबर दो श्वेतांबर की। किसकी बात करनी थी? श्वेतांबर की। देखो श्वेतांबर अगर मैं बताऊं तो श्वेत प्लस अंबर से बना है, या कहूं श्वेत धन प्लस अंबर से बना है, ठीक है ये शब्द। अच्छा श्वेत का मतलब क्या होता है, सफेद। क्या होगा? सफेद। और अंबर का क्या मतलब होता है, वस्त्र। जो लोग सफेद वस्त्र धारण करके चलते थे, जो लोग क्या है, सफेद वस्त्र धारण कर रखते हैं जैन धर्म में, वो क्या कहलाते हैं, श्वेतांबर। वो क्या कहलाएंगे सर, श्वेतांबर, ठीक है। और अगर मैं बात करूं कि इन्होंने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया, अब परिवर्तन किस तरह से, कि हो सकता है इन्होंने कि ब्रह्मचर्य का जो पालन था वो इन्होंने कहा कि हम नहीं करेंगे, इन्होंने वहां पे इसीलिए जो संगीति लिखवाई थी कि आप कुछ ना कुछ चेंजेस करो इसमें, आप क्या करो कि चेंजेस करो। एक बात बताता हूं आपको मैं, नहीं आगे आगे, ठीक है। बौद्ध धर्म की बात बताता हूं, बौद्ध धर्म में क्या होता है कि जब जो गौतम बुद्ध जी होते हैं वो क्या करते हैं कि पुरुष पुरुष होते हैं ना, उनको ही क्या होता है कि जो उनका जो स्तूप होता है उसमें बिहार में क्या होता है कि एंट्री करने की इजाजत होती है। तब उसका जो प्रिय शिष्य आनंद जो होता है वो कहता है कि गुरुदेव अपने को महिलाओं को भी क्या करना चाहिए, प्रवेश देना चाहिए। कहते ना भविष्यवाणी बहुत दूर की होती है, महान संत विद्वान व्यक्ति जो होता है उसकी भविष्यवाणी बहुत दूर की होती है। तो वहां पे अपने बौद्ध धर्म के जो महान संत है जिनका नाम मैं ले रहा हूँ गौतम बुद्ध जी, वो क्या कहते हैं कि आनंद महिलाओं को आप इजाजत तो दे दो अंदर आने की, बट आने वाले 500 सालों में, आने वाले 500 सालों में जो अपना जो बनाया हुआ खेल वो बिगड़ जाएगा। ये बात वो वहीं पे कह देते हैं, देख लो कर अब तुम्हारे हाथ में क्या करना है। और सही साबित हुई,
आने वाले टाइम में जैसे जैन धर्म दो भागों में बंटा, वैसे ही क्या होता है बौद्ध धर्म में क्या हो जाता है, हीनयान और महायान में दो भागों में बंट जाता है। तो वैसा ही कंडीशन यहाँ, इन्होंने जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाया। पहले तो सारा सही चल रहा था जब महावीर स्वामी जिंदा थे, ठीक है, तब ऐसा जब टाइम आया कि जब सारे गण धर्म भी क्या चल बसे और महावीर स्वामी जी भी चल बसे, तो क्या होता है कि जैन धर्म दो भागों में बंटता है और दूसरा भाग जो होता है वो परिवर्तन के साथ क्या करता है, जैन धर्म को परिवर्तन के साथ अपनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है, अच्छा इनका नेता कौन है, स्थूलभद्र कौन है, स्थूलभद्र या कहूंगा संभूति विजय जिनके क्या है नेता है। ठीक है, मिटा दूं ये मैं। अच्छा अब अपनी किसकी बात करेंगे, द्वितीय जैन संगीति की, किसकी बात करेंगे सर अपने, द्वितीय जल्दी से समय की थोड़ी सी शॉर्टेज के अनुसार द्वितीय जैन संगीति। ठीक है, अब देखो अगर द्वितीय जैन संगीति की बात की जाए तो 513 ईस्वी में ये मिलती है। अब ये थोड़ा सा जो समय जो है ना, थोड़ी सी यहाँ पे का चेंजिंग मिलती है, किसी किसी किताब में आगे पीछे मिलता है ये समय। ठीक है, तो जो चीज़ कंट्रोवर्सी होती है वो कभी भी आगे नहीं आती, ये ध्यान रखना थोड़ा। ठीक है, 513 ईस्वी समय मिलता है और ये गुजरात के बल्लभी नगर में, कहाँ पर हुई, गुजरात के कहाँ पर हुई, बल्लभी नगर में हुई गुजरात के। ठीक है, और बात की जाए इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इनका अध्यक्ष माना जाता है देव धरणी को, इसको देव दर्दिनी को, कौन है अध्यक्ष, कौन है देव दर्दिनी है, जिनको आप क्षमा श्रवण के नाम से भी जाना जाते हैं, क्षमा श्रवण के नाम से भी जाना जाता है। तो ये द्वितीय जैन संगीति के बारे में अपने इतनी ही जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अपना यहाँ पे क्या हो जाता है, जैन धर्म कंप्लीट। एक बात और है कि जो जैन साहित्य जो है ना, क्या जैन साहित्य है वो आगम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो अगली क्लास में अपने किसकी बात करेंगे, बौद्ध धर्म की बात करेंगे। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक समाप्त होती है, धन्यवाद।